हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉर्मेज डिलाइट। गॉर्मेज डिलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो हम हमारी आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ वड़ा पाव। ऐसा वड़ा पाव ना आपने इसके बारे में पहले कभी सुना होगा, ना आपने इसको कभी खा के देखा होगा। तो आज क्यों ना आप इसको घर पर बनाएं और खा के देखिए। आप एक बार बनाओगे, बार बार खाओगे। घर में ये बच्चों को और बड़ों को सबको ही बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है ये चीज़ वड़ा पाव। ये देखिए कितना शानदार बना है। चलिए तो हम इसको अब बनाना शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं चीज़ वड़ा पाव को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ धनिया की चटनी। मैंने यहाँ पे धनिया की चटनी बनाई है। इसमें मैंने 250 ग्राम धनिया और 250 ग्राम मैंने पुदीना लिया है। दोनों की क्वांटिटी बराबर है। उसके अंदर 4 से 5 लहसुन की कली डाली, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार, हरी मिर्ची डाली है मैंने 7-8 तीखी करने के लिए, और उसको पीस लिया। अभी हम बनाएंगे लाल चटनी। लाल चटनी के लिए ये मैंने लिए हैं 50 ग्राम लहसुन की कलियां, और लाल मिर्ची को मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो करके रख दिया था इनके डंठल को हटा करके। इससे ये मिर्ची देखो कैसे सॉफ्ट इस तरीके से हो गई है। अब हम इस मिर्ची को भी मिक्सी के जार में डाल देंगे चटनी बनाने के लिए। ये बिल्कुल मार्केट जैसी चटनी ही बनकर के तैयार होगी वड़ा पाव की। पानी हटा देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट के डाल रही हूँ, नमक डालेंगे हम स्वादानुसार, हींग डालूंगी मैं चुटकी भर, और डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पीस कर चटनी हम तैयार कर लेंगे। अभी एक पैन के अंदर मैं तेल डालूंगी और हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे वड़ा पाव की। जैसे ही तेल गर्म होएगा इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून, सौंफ डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसका मसाला बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 आलू, मीडियम साइज के आलू लिए थे, उनको उबाल लिया और छील के उनको हम बारीक मैश कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में मैं डालूंगी 3 हरी मिर्ची, 1 नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, इसके मसाले में हम ये डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट पाव भाजी मसाला 1 टीस्पून, इसमें लाल मिर्च पाउडर ज्यादा नहीं डलेगी, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे आमचूर पाउडर। मसाले को हम ज्यादा तीखा नहीं रखेंगे क्योंकि हमने चटनी बनाई है लाल मिर्ची की और हरी मिर्च हरे धनिए की, तो उसमें वैसे भी स्पाइसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं अभी इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए। अभी हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे।
इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है मैंने, क्योंकि नमक थोड़ा मेरे को कम लगा। और यहाँ पे डाला है मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च का। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला भी अच्छे से रेडी हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं डालूंगी पुदीने की पत्तियां, काट करके रख रखी थी मैंने। आधा कप और ये डाल दिया मैंने हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा चीज़ वड़ा पाव का मसाला बन करके बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लेना है, मोटा नहीं छोड़ना है। फ्रेंड्स, त्योहार का टाइम चल रहा है, त्योहार आ रहे हैं। त्योहार के टाइम पे आप ये घर पे जरूर बनाएं। मेहमान आते हैं तब सुबह आप नाश्ते में और किसी के सामने रखने में ये बहुत ही अच्छा डिश रहेगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 कप बेसन के, उसमें मैं डाल दूंगी नमक 1 छोटा चम्मच, कस्तूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, वन एट टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, वन फोर्थ टी स्पून अजवाइन। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी डाल के इसको अच्छे से फेंटना है। इसका हमने बैटर बनाना है पतला, इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और गाढ़ा भी नहीं रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए अभी हम वड़े की तैयारी करते हैं, वड़ा पाव की। यहाँ पे मैंने जंबो ब्रेड ली है, 2 पीसेस ब्रेड के लिए है मैंने। इसको हम कट कर लेंगे किसी भी कटर या कटोरी वगैरह की हेल्प से। मैंने ये बड़ी कटोरी ली है, इस बाउल से मैं ये देखिए ब्रेड को कट कर लूँगी। दूसरी ब्रेड भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। ये जो इनके कॉर्नर्स बचे हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, इससे ब्रेड क्रम्स बन करके रेडी हो जाएंगे। ये आप इनको किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। अभी मैं ब्रेड की दोनों स्लाइसेस के ऊपर, एक स्लाइस पे मैं रेड चटनी लगाऊंगी और इस पर स्प्रेड कर दूंगी एक ब्रेड पे। और दूसरी ब्रेड पे धनिए की चटनी लगा लेंगे और उसको अच्छे से पूरी ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही अलग हट करके और बहुत ही शानदार चीज़ वड़ा पाव बन करके ये रेडी होगा। आपने आज से पहले ना कभी इसको देखा होगा ना खाया होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
यहाँ पे मैं मोजरेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो आप वो चीज़ ले सकते हैं। अब दोनों ब्रेड्स को हम मिला देंगे और इसके ऊपर हमने, इसके अंदर नहीं स्टफिंग करनी है। आलू का कोई भी पीस मोटा नहीं रहना चाहिए। इसको आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से ब्रेड पे पूरा फैला सकते हैं। मैं हाथ से फैला रही हूँ, हाथ से अच्छे से ब्रेड पे लग जाता है। ये देखिए, इस तरीके से पतली लेयर ही हमको इस पे लगानी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है। जितनी पतली लेयर लगाएंगे आप आलू के मसाले की, आपका वड़ा पाव उतना ही टेस्टी बनेगा, उतना ही अच्छे फ्लेवर्स उसमें आएंगे, पता चलेगा। ज़्यादा स्टफिंग लगाने से मसाला ज़्यादा हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल दोनों साइड में मैंने ऊपर और नीचे, देखिए इस तरीके से दोनों साइड पे बाहर की तरफ आलू का मसाला बना लगा दिया है। एक ब्रेड हम और तैयार कर लेते हैं, वड़ा पाव। रेड चटनी लगाएंगे एक ब्रेड पे और अच्छे से उसको स्प्रेड कर लेंगे, और दूसरी ब्रेड पे ग्रीन चटनी लगा करके उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अभी इसमें लगाएंगे हम मोजरेला चीज। ये इतना शानदार बनता है, एक ही वड़ा पाव के अंदर जो है पेट एकदम फुल हो जाता है। ये हम इस पे ऊपर की साइड में भी आलू की स्टफिंग लगा देंगे, बिल्कुल पतली लेयर लगानी है। अब बैक साइड में, दोनों साइड में लगेंगे। दोनों साइड में अच्छे से लग गई है, अभी हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं बेसन में इसको अच्छे से डिप करूँगी और इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है। मीडियम फ्लेम पे इसको हम दोनों साइड से अच्छे से तलेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से तल चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तल करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी वड़ा पाव फ्राई कर लूंगी। एक साइड से तलने में मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। ये देखिए, हमारा वड़ा पाव बहुत ही मस्त और क्रिस्पी सिक चुका है, तल चुका है, बहुत ही बढ़िया। अभी हम इसको सर्व करेंगे, उससे पहले इस पे ऊपर थोड़ी सी लाल चटनी, थोड़ी धनिए की चटनी लगा लेंगे और गर्मा गर्म आप इसको कट करके सर्व कीजिए। ये देखिए, कितनी शानदार चीज़ वड़ा पाव बन करके रेडी है। मैं आपको एक वड़ा पाव कट करके भी दिखाती हूँ, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है उसी तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। बीच में से ये मैंने एक वड़ा पाव के 4 पीस मिलते हैं मार्केट में। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए कितना बढ़िया अंदर से सिका है।
और चीज भी नजर आ रहा है। ये बच्चे भी बहुत खुश होकर के खाते हैं। फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। आप इसको होली पे जरूर जरूर ट्राई कीजिए।